अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड टोटियाज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इजी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी ये टोटियाज़ बन के तैयार होती हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा ले लिया है। बीच में मैं हल्का सा होल बना रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर एंड वन फोर्थ टी स्पून भर के सॉल्ट। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 एंड 1/4 टी स्पून सॉल्ट। इसको डाल के करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसके अंदर सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून के करीब बटर है, बटर या शॉर्टनिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको डाल के हाथों की मदद से अच्छी तरह से बटर को मैं इसमें मिक्स करूँगी। ओके जी, इसको मैंने बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, इसका इस तरह से क्रम्बल क्रम्बल जैसा ये इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा आटे का हमारा, बटर को इसमें मिक्स करने के बाद। और अब जनाब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास 1.5 कप के करीब जो है गरम पानी है। उतना गरम पानी लें जितना गरम पानी आपका हाथ बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर इसकी सॉफ्ट सी डो भी बनेगी और इसकी जो टोटियाज़ हैं वो भी बहुत सॉफ्ट बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इस आटे को गूंदूंगी, एक साथ सारा पानी नहीं डाल रही मैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ओके जी, जब आटा हमारी एक रफ सी डो फॉर्म में आ जाएगा तो फिर मैं इसको अपने वर्क सरफेस पे ले आऊँगी और यहाँ पे लाके अब हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है जब तक कि इसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डोना बन जाए। ओके जी, ये हमारा आटा है, देखें ज़बरदस्त सी स्मूथ सी ये डो जो है इसकी बन गई है। इसको अब मैं रखूँगी इसके ऊपर, हल्का सा मैं अपने हाथों पे बटर लगा लेती हूँ, ऑयल या बटर कुछ भी। इसको अच्छी तरह से बटर लगा के ऊपर भी टॉप पे, ताकि ये ड्राई ना हो, इसके सरफेस जो है अच्छी तरह से इसको बटर या ऑयल से कोट करके। और फिर अब मैं इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए कवर करके रेस्ट देने के लिए छोड़ूंगी इस तरह से, और फिर इसके हम बनाएंगे पेड़े। ओके जी, डो को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो चुका है जनाब। इसको मैं ले आती हूँ वर्क सरफेस पे, और अब आप चाहें तो इसको इक्वली जो है वो नाइफ से या डो कटर की मदद से जो है काट के इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। मैं इजी तरीका, देसी तरीका यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे मैं इसके जो है वो पेड़े, जितनी भी साइज़ की आपको बड़ी टोटियाज़ बनानी है तो आप बड़े पेड़े बना लें, मैं जो हूँ वो दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैं ये सारे जो है इसके पेड़े बना लेती हूँ और इनको मैं साइड पर रखती जाती हूँ। ओके जी, ये पेड़े हमारे सारे जो है वो तैयार हो गए हैं। ये मैंने जो है वो प्लास्टिक से कवर किया हुआ है इसको, ताकि ये जो है वो इसका ड्राई ना हो इसका सरफेस। और जनाब अब हम इसको बेलते हैं, हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं अपनी वर्किंग सरफेस पे। हल्का सा हम फ्लावर डस्ट कर देते हैं। पहले मैं इसको हाथ से थोड़ा सा बढ़ाऊँगी और फिर अब मैं इसको बेलन की मदद से बेल लेती हूँ। ये देखिए जी, ये थिन सा मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको डालूंगी अपने पैन में सेकने के लिए। ओके जी, पैन मेरा जो है वो मीडियम लो हीट पे जो है वो गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैंने अपनी टोटिया जो है वो सेकने के लिए डाल दी है। 40 to 45 सेकेंड्स मीडियम हाई हीट पे ये सिकेगी एक तरफ से, और फिर मैं इसको टर्न करूँगी और दूसरी साइड से भी 10 to 15 सेकेंड्स सेकूँगी। ये देखिए, बबल्स आ गए एक साइड पर। अब मैं इसको टर्न करूँगी, ये इस तरह से हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आने चाहिए, और दूसरी साइड से भी अब मैं 10 to 15 सेकेंड्स सेकूंगी इसको। ओके जी, तो ये टोटियाज हमारी, ये देखें दोनों तरफ से सिक गई है, हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट्स हैं। इसको मैं
ये मैंने कपड़ा ही गीला करके रखा हुआ है, इसके अंदर मैं सारी अपनी टोटियाज जो स्टैक कर रही हूँ ताकि ये ड्राई भी ना हो और सॉफ्ट रहें। ये जनाब हमारी टोटियाज जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इजी क्विक सिंपल सी रेसिपी, बट रिजल्ट्स स्टोर बॉट टोटियाज से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसको बना के रख लीजिए और फिर जब भी आपको अपने रैप्स, बरीटोस, टैकोस, केसडियाज वगैरह बनाने हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अपनी होम मेड टोटियाज जो उसको यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।